हेलो एंड वेलकम टू एडमिशन साइट्स। दोस्तों, वैसे तो आज़ादी के बाद से भारत ने एक से बढ़कर एक कारनामे और कांड किए हैं, बट इन कारनामों की लिस्ट में जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो है एक नए देश का एक नए सिरे से निर्माण करना। जी हाँ, हम बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे हैं। आज इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के बारे में हम जानेंगे कि आखिर 16 दिसंबर विजय दिवस हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और हमें क्यों गर्व होना चाहिए 16 दिसंबर पर, वो आज हम इस कहानी के जरिए जानेंगे। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है टू नेशन थ्योरी से, जो ये कहती थी कि भारत में हिंदूज और मुस्लिम्स की अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज आपस में कभी भी सद्भावना से नहीं रह पाएंगी और इनके बीच में एक कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ही बना रहेगा। अब चाहे उसमें कोई भी राज करे, पर एक डिस्क्रिमिनेशन और एक डोमिनेशन दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ बना ही रहेगा और इस वजह से इन दोनों कम्युनिटीज को अलग अलग देश बनाने चाहिए। और इस बैकग्राउंड में भारत का पार्टीशन हुआ और इस वजह से भारत के वेस्ट में एक देश बना जिसका नाम रखा गया वेस्ट पाकिस्तान और भारत के ईस्ट में एक देश बना जिसका नाम रखा गया ईस्ट पाकिस्तान। रिलीजन के बेस पर देश को डिवाइड करने वाले लोग ये भूल गए कि दूसरे इक्वली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं लैंग्वेज और कल्चर। अगर लैंग्वेज और कल्चर सिमिलर नहीं है तो दो अलग अलग प्रकार के लोगों को जोड़ने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ये मुश्किलें पाकिस्तान को भी फेस करनी पड़ी। वेस्ट पाकिस्तान में पंजाबी ज़्यादा बोली जाती थी और ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली ज़्यादा बोली जाती थी और इस वजह से आपस में डिफरेंसेस डेवलप होने लगे और ये डिफरेंसेस डिस्क्रिमिनेशन में डेवलप होने लगे। वेस्ट पाकिस्तान जो कि डोमिनेट कर रहा था, वहाँ के एलाइट्स, पंजाबी स्पीकिंग एलाइट्स जो थे, वो लोग ईस्ट पाकिस्तान पे डोमिनेट करते थे, उनको पॉलिटिकली कभी ऊपर नहीं आने देते थे, उनको सोशली बहुत ज़्यादा ऑप्रेस करके रखते थे। एग्जांपल समझिए कि बंगाली को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने में भी कई साल लग गए थे और फाइनली 1956 में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा बंगाली को मिल पाया। अब बात करते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस की। इकोनॉमी की हालत ये थी कि ईस्ट पाकिस्तान, जो कि पॉपुलेशन वाइज 60% पॉपुलेशन कवर करता था पूरे पाकिस्तान की, फिर भी उनका जो बजट था महज 30% आता था। अगर एक्सपोर्ट वाइज देखें तो बांग्लादेश एक्सपोर्ट ज्यादा करता था, जहां पे जूट का प्रोडक्शन ज्यादा होता था, लेकिन फिर भी उनके बजट के लिए कितना मिल रहा है, 30%। तो इस प्रकार के कंडीशंस और बैकग्राउंड में एक टसल और एक डिस्क्रिमिनेशन डेवलप होना शुरू हो गया पाकिस्तान के बीच में। अब इन बैकग्राउंड में ईस्ट पाकिस्तान वालों को यह महसूस होने लगा कि उनके पास पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी नहीं है और इस वजह से उन्होंने कुछ डेमोक्रेटिक मांग रखने की पेशकश करी वेस्ट पाकिस्तान वालों के सामने। और ये मांगे थी कि ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस और डिफेंस जैसे सेक्टर्स को आप अपने पास रखिए, बट इंटरनल रिलेशंस की ऑटोनॉमी हमें हमारे लिए दे दीजिए ताकि हम अपने कानून अपने हिसाब से बना पाए। पर इसकी रजामंदी भी नहीं दी वेस्ट पाकिस्तान वालों ने और उल्टा उन्होंने इस मूवमेंट को दबाने की कोशिश करी, सप्रेस करने की कोशिश करी, जो कि उनके लिए भारी पड़ गया। किसी भी मूवमेंट को, किसी भी इंसान को एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा दबाया नहीं जा सकता, अदरवाइज वो रिबेल हो जाएगा। यही सिमिलर कंडीशन ईस्ट पाकिस्तान ने भी करी। जब सप्रेस होने की एक लिमिट क्रॉस हो गई तो ईस्ट पाकिस्तान ने अब डेमोक्रेसी की बात नहीं करी, अब सीधे आजादी की डिमांड करी वेस्ट पाकिस्तान वालों से। अब आजादी की डिमांड से वेस्ट पाकिस्तान वाले लोग थोड़ा सा घबरा गए और इस वजह से 1970 में जनरल याया खान की परमिशन की वजह से एक फ्री इलेक्शन करवाया गया ईस्ट पाकिस्तान में। अब उसके रिजल्ट सुनिए, 99% सीट ईस्ट पाकिस्तान में एक पार्टी को गई जिस पार्टी का नाम था बंगाल्स अवामी पार्टी। उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान। अब यही पार्टी जो 99% सीटें जीत गई है वो जाएगी पाकिस्तान के लोकसभा यानी नेशनल असेंबली में। अब वहां पे उनको सरकार बनानी होगी। अब सरकार बनाने के लिए जो उनके अगेंस्ट ऑपोजिशन में लीडर खड़ा होगा उसका नाम था जुल्फीकार अली भुट्टो। अब देखिए पॉलिटिक्स कैसे टर्न ले रही है। पंजाबी बोलने वाले दो लोग, एक आर्मी के जनरल याया खान और दूसरे जुल्फिकार अली भुट्टो, ये दोनों एक हो गए और किसके अगेंस्ट खड़े हुए, बंगाली बोलने वाले एक बहुत ही पॉपुलर लीडर शेख मुजीबुर रहमान, जो कि इलेक्शन जीत कर आया है, जिसके पास चांसेस हैं पाकिस्तान की सरकार बनाने के, उसके अगेंस्ट खड़े हो गए। और ईस्ट पाकिस्तान में आर्मी ने क्रैक डाउन कर दिया और इस दौरान सबसे पहले किसको उठाया गया,
शेख मुजीबुर रहमान को, और उनको भेज दिया गया एक अननोन लोकेशन में वेस्ट पाकिस्तान में, क्योंकि वो एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाने लगे थे जिसमें वो मांग कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के तहत उनको सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए। इसी दौरान वेस्ट पाकिस्तानी आर्मी ने इन ईस्ट पाकिस्तान वालों के अगेंस्ट टॉर्चर करना जारी रखा, जिसमें उन्होंने हजारों गांव जला दिए, बहुत सारी फसलें जला दीं और लोगों के रेप, मर्डर और हीनियस क्राइम्स किए। उसमें इन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा, चाहे वो मुस्लिम्स हों, चाहे वो हिंदूज हों, या फिर क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट हों। इस वजह से एक प्रकार का खौफ डेवलप हो गया पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ। फिर हजारों, लाखों और फाइनली करोड़ तक की संख्या में लोगों ने माइग्रेट करना स्टार्ट करा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की ओर, जिसमें असम, मेघालय और बंगाल आते थे। स्टार्टिंग में तो एक सिंपैथी देखी गई इन पर्टिकुलर रिफ्यूजीज के खिलाफ, बट धीरे धीरे ये रिफ्यूजीज हमारे लिए नासूर बनना स्टार्ट हो गए, ना सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि पॉलिटिकली भी। ऐसे में भारत को इस पर्टिकुलर इंसिडेंस को इंटरनेशनल लेवल पर दिखाना जरूरी पड़ गया। अब इस अवामी पार्टी के लीडर्स ने कलकत्ता में एक एग्जाइल गवर्नमेंट बनाई और इसी एग्जाइल गवर्नमेंट की एक लिबरेशन आर्मी बना ली, जिसका नाम रखा मुक्ति वाहिनी, जिसका काम था एक अंडरग्राउंड मूवमेंट चलाना और गुरिल्ला वॉरफेयर करना बांग्लादेश में वेस्ट पाकिस्तान के आर्मी के अगेंस्ट, जिसका फुल सपोर्ट अब इंडियन गवर्नमेंट भी करने लग गई थी। अब हमारी इस कहानी में एंट्री होगी भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की। उन्हें मालूम था कि ये वॉर होना तो तय है, पर वो सही समय का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ऐसे में भारत को एक एग्रेसर के रूप में देखा जा सकता था, और अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान अपने उस प्रोपेगेंडा में सक्सेसफुल हो जाता जिसमें वो दिखा रहा था कि भारत की ही कॉन्स्पिरेसी है ईस्ट पाकिस्तान में, और ये इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत की इमेज को नुकसान पहुंचे। इसलिए शी वॉज वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम, और उस परफेक्ट टाइम का समय आ चुका था, और वो गलती भी पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा ही हुई। तो अब हमारी इस कहानी में एंट्री होगी एक हीरो की, एक ऐसा हीरो जो अपने प्रधानमंत्री को स्वीटी कहकर बुलाता था, एक ऐसा हीरो जो अपने प्रधानमंत्री को सीधा ना कहने की हिम्मत रखता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पहले फील्ड मार्शल जनरल सैम मानेकशॉ की। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल सैम मानेकशॉ को जब कैबिनेट मीटिंग में 23 अप्रैल के दौरान पूछा गया कि क्या आप रेडी हैं इस वॉर के लिए, तो जनरल साहब कहते हैं, आई गारंटी यू आर 100% डिफीट इन दिस वॉर। सब लोग शॉक हो गए। तो ऐसा इसलिए बोला उन्होंने क्योंकि उसके पीछे ज्योग्राफिकल रीजंस थे। तो ऐसे में बहुत ज्यादा इंदिरा गांधी नाराज हो गई और उन्होंने गुस्से में बोला कि ठीक है, कैबिनेट मीटिंग फिर से 4 बजे होगी, और सब लोग उठकर जाने लगे। ऐसे में जनरल साहब भी उठकर जाने लगे। इंदिरा गांधी ने उन्हें रोका, सैम यू वेट हेयर। फिर क्या होता है, जनरल साहब कहते हैं कि मैम आप मुंह खोल लें, उससे पहले आप बताइए मैं अपना रेजिग्नेशन मोरल या फिर फिजिकल बैकग्राउंड पे दूं। तो इंदिरा गांधी मुस्कुराते हुए कहती हैं कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आप ये बताइए जो कुछ भी आपने बोला है क्या वो सच है। तो उन्होंने बोला, जी हाँ 100% सच है, और इसके पीछे 2 ज्योग्राफिकल कारण हैं। पहला कारण कि 23 अप्रैल है आज, और आने वाले कुछ समय में मॉनसून हिट करने वाला है इंडियन सबकॉन्टिनेंट को, जिसमें बांग्लादेश भी आता है, और हमें पता है कि जब मॉनसून आता है तो नदियाँ समंदर का रूप ले लेती हैं, इतनी भयंकर हैवी हो जाती हैं कि एक एंड से आप खड़े हों तो दूसरा एंड आपको नहीं नजर आता है। तो ऐसे में आर्मी का जो ट्रूप्स मूवमेंट होगा वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा रोड से ट्रेवल करने में, और जब रोड से ट्रेवल करेगा तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। ठीक है, पहला ज्योग्राफिकल रीजन। दूसरा रीजन ये था कि जब इस दौरान चाइना मदद करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान वालों को, तो बहुत ईजिली कर सकता है, हिमालयन में पासेस बने हैं, वहां से अपने वो आर्म्स एंड एम्यूनेशन भेज सकता है। अगर हम 4 से 6 महीने का वेट करें तो पहली समस्या जो कि मानसून है वो निकल जाएगी, और दूसरी समस्या जो कि चाइना है उसको भी टैकल कर लिया जाएगा। कैसे, कि जब हिमालयन पासेस में ठंड के दौरान बर्फबारी होगी और वो पासेस ब्लॉक हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो चाइना उधर से आर्म्स एंड अम्यूनेशन की सप्लाई नहीं कर पाएगा और हम फ्रीली मूव कर सकेंगे बांग्लादेश के अंदर। अब इसी दौरान अप्रैल से दिसंबर तक के 8 महीने के गैप में पहला काम इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को एजुकेट करने का किया, जिसमें उन्होंने लोगों को बताया कि बढ़ती हुई रिफ्यूजी की प्रॉब्लम भारत के लिए कितनी बड़ी बनती जा रही है, क्योंकि लगभग 1 करोड़ की संख्या में शरणार्थी भारत आ चुके थे।
उनके रहने का, उनके मेडिकल सुविधाएं, उनके खाने का, उनके शेल्टर का, सब का इंतजाम करने में भारत के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बनती जा रही थी। ना सिर्फ इकोनॉमिक बल्कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी खतरा बनता जा रहा था। फिर भी इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए उन 1 करोड़ लोगों की सहायता की भारत ने। ना सिर्फ उनके मेडिकल, उनके रहने खाने का खर्चा उठाया, बल्कि उनकी जो गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइल थी और उनकी जो लिबरेशन आर्मी थी, जिसको हम मुक्ति वाहिनी के नाम से जानते हैं, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी, उनको मिलिट्री इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए और उनको गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग करके बांग्लादेश में एंट्री भी दिलवाई। अब इस काइंडनेस की वजह से भारतीय सरकार को वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ की मीडिया, वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स काफ़ी ज़्यादा सिंपैथेटिकली भारत को देख रहे थे। इसमें यूएसएसआर का भी बहुत बड़ा रोल था। अब बात आती है उन 2 हॉस्टाइल कंट्रीज की जो इस इंडिया के खिलाफ खड़े हो रहे थे। एक था एज यूजुअल यूएस और दूसरा चाइना। यूएस ने तो यहां तक कि ब्लेम कर दिया कि ये जो इशू है ये बांग्लादेश का इशू नहीं है, ये इंडिया और पाकिस्तान का पर्सनल इशू है, और इस वजह से यूएस ने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करना जारी रखा, और चाइना तो पहले से ही पाकिस्तान का एलाय था। बट इसी दौरान हमारी प्रधानमंत्री पहुंची यूएसएसआर, हमारा पुराना मित्र, और उनके साथ 20 साल के लिए एक समझौता किया, जिसको ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन बोलते हैं। और इस ट्रीटी में था कि अगर कोई भी प्रकार का मिलिट्री थ्रेट दोनों ही देशों में आएगा तो दोनों देशों की सरकारों को एक इमीडिएट इफेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा उनके सपोर्ट में। इस पर्टिकुलर ट्रीटी से भारत सरकार और भारतीय जनता को एक बहुत बड़ा मोरल सपोर्ट मिला, और इस ट्रीटी का असर इंदिरा गांधी के एक इंटरव्यू में दिखाई पड़ा, जिसमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली वो एक बात कहती हैं कि हमें जो करना है हम हर कीमत पर वो करके रहेंगे, चाहे कोई हमारे खिलाफ कितना भी चला जाए। बट फिर भी इंदिरा गांधी ने बहुत ही स्मार्टली खेलते हुए इंतजार किया उस पर्टिकुलर मोमेंट का जब पाकिस्तान की ओर से कोई गलती की जाए, और वो गलती आखिरकार पाकिस्तान ने कर ही दी जब उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के 8 एयरफील्ड्स पर अटैक कर दिया। हालांकि बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ था उससे, लेकिन फिर भी वो एक एक्ट ऑफ वॉर माना। अब इस एक्ट ऑफ वॉर के रिवेंज में जनरल जे एस अरोरा के अगुवाई में मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर मात्र 11 दिनों में ईस्ट पाकिस्तान की ओर लिटरली दौड़ लगा दी इंडियन आर्मी ने, और ढाका ऑलमोस्ट कैप्चर करने की तैयारी कर ली। बट इसी दौरान यूएस भी अपने गेम्स खेल रहा था, और उसने अपना 7th फ्लीट इंडियन ओशन में उतार दिया, जिसमें एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी था जिसका नाम था यूएसएस एंटरप्राइज। और तो और उन्होंने यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें इंडिया को एग्रेसर घोषित करने की कोशिश की गई, बट उसको भी वीटो कर लिया गया यूएसएसआर द्वारा, और ब्रिटेन और फ्रांस ने भी उसमें भारत की मदद की थी। बट फाइनली जब यूएस के पास कुछ नहीं बचा तो उन्होंने एज यूजुअल, जैसे हर देश के साथ करते हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए भारत के ऊपर। और रही बात चाइना की, तो चाइना हमेशा की तरह बड़बोला ही है, सिर्फ वर्बली बस बोलता रहा और किया कुछ नहीं, कर भी कुछ नहीं पाया। बट इन सारे एक्शंस को बहुत ही शांत ढंग से इंदिरा गांधी नोट करती रहीं और वो अपना काम करती रहीं, और उन्होंने जनरल सैम मानेकशॉ को ऑर्डर दिए कि जल्दी से जल्दी अपने प्लान ऑफ एक्शन को कंप्लीट करें और ढाका पर कब्जा करें। अब ढाका तो ऑलरेडी सराउंड कर लिया गया था इंडियन आर्मी द्वारा, ऐसे में 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स फंस गए थे ढाका में। अब बारी थी उनको सरेंडर करने की और भारत की विक्ट्री की। इसी विक्ट्री को ही विजय बोलते हैं, और इसी विक्ट्री के नाम पर ही विजय दिवस पड़ा है 16 दिसंबर को। अब 16 दिसंबर को विक्ट्री तो हमें मिल चुकी थी, लेकिन अब बात थी डिप्लोमेसी में खेल खेलने की। 17 दिसंबर तक आते आते भारत ने सीज फायर यानी युद्ध विराम की घोषणा कर दी वेस्टर्न फ्रंट पर, और ये बोला कि अब हम युद्ध विराम चाहते हैं। पाकिस्तान तो वेट ही कर रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी हार चुका था, तो फाइनली सीज फायर हुआ वेस्टर्न फ्रंट पर। और कुछ समय बाद जो बांग्लादेश के लीडर थे बंगाल अवामी पार्टी के शेख मुजीबुर रहमान, उनको भी रिलीज कर दिया गया, और फाइनली वो बांग्लादेश को लीड करने लगे। इस जीत के बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भारत अपनी मजबूत पकड़ बना चुका था और पूरी दुनिया में अपने आर्म फोर्सेस का लोहा मनवा चुका था। ना सिर्फ भारत, बट एक समय पर गूंगी गुड़िया बोली जाने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी को अब लोग दुर्गा और शक्ति का अवतार मानने लगे थे।
भी डिप्लोमेटिक लड़ाई बाकी थी, क्योंकि भारत को मालूम था पाकिस्तान छोटे बच्चों की तरह फिर से वही काम करेगा, यूएस को और यूएन को बार बार इंडियन सबकॉन्टिनेंट में की लड़ाइयों में इन्वॉल्व करता रहेगा, और इस चक्कर में भारत को अपने डिफेंस के खर्चे फिर से बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये चीजें इंडिया अभी अफोर्ड नहीं कर सकता था, और ऐसे में शिमला में जून में 1972 में भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फीकार अली भुट्टो को बुलाकर एक समझौता किया, जिसको हम शिमला एग्रीमेंट या फिर शिमला समझौता के नाम से भी जानते हैं। अब शिमला समझौता के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, फिलहाल के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडविजन सही।